हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल वैकेंसी एन जीके। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम जैसे पीएसपीसीएल, पंजाब इलेक्शन कानून को, एसएससी, एफसीआई और केवीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और भी जितने एग्जाम हैं सभी में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एक्सेल। एक्सेल के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम सभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में लगभग हम 30+ क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, 30+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो ही मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, आपकी वजह से ये काम हुआ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्सेल का जो एक्सटेंशंस होती हैं वो क्या है। एक्सटेंशंस माने जैसे पावर पॉइंट का डॉट PPTX होता है, उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं एक्सेल की। तो एक्सेल की है डॉट XLX, या फिर इसकी दो होती हैं, एक होती है XLSM, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो ऑन ए वर्कशीट कॉल्ड। जो वर्कशीट पे कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेल, ठीक है। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच फंक्शन इन एक्सेल टेल हाउ मेनी न्यूमेरिकल एंट्रीज आर देयर। इनमें से कौन सा फंक्शन हमें ये बताता है एक्सेल में कि जो न्यूमेरिकल एंट्रीज हैं, तो वो बताता है हमें काउंट। ऑप्शन बी काउंट। विच वन ऑफ इज नॉट ए फंक्शन इन एमएस एक्सेल। इनमें से एमएस एक्सेल में फंक्शन नहीं होता, वो कौन सा है। तो नीचे ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन देखिए, सम का भी होता है, मैक्सिमम का भी होता है, मिनिमम का भी होता है, तो एवरेज का जो होता है वो नहीं होता है। एवरेज वाला जो फार्मूला है वो एक्सेल में काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। जो एमएस एक्सेल में फंक्शंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं। तो नीचे ऑप्शन है, तो वो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, एन इक्वल साइन, ठीक है। ये इक्वल का साइन है, इससे सभी जो फार्मूले जो शुरू होते हैं एमएस एक्सेल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन है ये ग्रेटर देन है, आपको पता है इस साइन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है। तो नीचे ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर की एक एग्जाम्पल है। वट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर द टाइम। तो वो कौन सा चार्ट होता है, नीचे ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट होता है वो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इनमें से एमएस एक्सेल में कौन सा फीचर है जो क्विकली कंप्लीट कर देता है सीरीज को डाटा सीरीज को। तो नीचे ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ऑटोफिल। How many sheets are there by default when we create a new Excel file? देखिए, जब हम Excel को ओपन करते हैं तो उनमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी sheets होती हैं by default Excel में जो हम पेज ओपन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3 sheets होती हैं। अगर आप Excel यूज करते हैं तो आपको पता है जब Excel आप ओपन करेंगे तो by default जो sheets होती हैं वो होती हैं 3। उसके बाद आप इसको बदाव ज़्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इन एक्सेल विच वन डोनेटेड ए रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। तो वो कौन है, वो है ऑप्शन बी, B1 कॉलम E5। वट टाइप ऑफ चार्ट बिल यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। तो वो क्या है ऑप्शन, सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिलिंग द ब्लैंक करनी है, इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट लेट वन टू एंटर कैलकुलेट मल्टीप्लेट एंड एनालाइज द सेट ऑफ नंबर्स। तो वो क्या है, वो है ऑप्शन ए, सेपरेट सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। इनमें से वो कौन सा जो हम क्या बोलेंगे, जो एक या एक से ज़्यादा जो वर्कशीट डॉक्यूमेंट्स को कंटेन करेगा, तो उसको हम बोलेंगे वर्कबुक। जो एक होती है वो होती है वर्कशीट, तो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होगी, वन या मोर, इससे ज़्यादा, उसे हम बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है।
ए सेल इन विच यू आर करंटली वर्किंग इज रेफर्ड एज, जिस सेल में आप करंटली वर्क कर रहे होते हैं उसे हम कौन सी सेल बोलते हैं। तो नीचे ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल बोलते हैं हम उसे जिसमें हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। जब हम हमने शॉर्टकट की ऐड करनी है, जब हम हमने चार्ट को ऐड करना है, तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो वो है F11। F11 हम जो फंक्शन की यूज करेंगे तभी जो हमारा चार्ट हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो फंक्शन, ये फंक्शन की है, ठीक है, F11। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फंक्शन की कितनी होती है, तो वो होती है 12, 12। ए सेपरेट शीट कंटेन, सेपरेट शीट में क्या होता है, सेपरेट शीट में रो एंड कॉलम्स होते हैं। सेपरेट शीट में यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट टू HTML डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग। देखिए, एक्सेल वर्कशीट को, डाटा को हम चार्ट के HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो नीचे ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंटरनेट असिस्टेंट विज़ार्ड के जरिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड दी प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टूल्स। हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, अगर हमने एक्सेल में पेज का बॉर्डर करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में हम पेज को बॉर्डर नहीं कर सकते, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। जैसे MS वर्ड में हम बॉर्डर कर सकते हैं पेज को, उसी तरह हम एक्सेल में बॉर्डर नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है ब्लूकूप फंक्शन यूज टू, ये फंक्शन हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फाइल्स रिलेटेड रिकॉर्ड के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद यू कैन एक्टिव ए सेल बाय, अगर एक सेल को हमने एक्टिव करना है तो इनमें से किस किसके जरिए हम करेंगे, प्रेसिंग दी टैब की या क्लिकिंग दी सेल या प्रेसिंग एन एरो की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इन सभी से हम एक्टिव कर सकते हैं सेल को। विच फंक्शन इज यूज फॉर फॉर क्रिएटिंग ए डाटा टेबल, डाटा टेबल को क्रिएट करने के लिए हम इन इनमें से कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन बी, टेबल। विच अमंग फॉलोइंग इज डिवाइडेड डिवाइड सिंबल इन एक्सेल, एक्सेल में जो डिवाइड वाला सिंबल होता है वो क्या है, तो आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये डिवाइड वाला सिंबल है, ठीक है। विच फंक्शन कन्वर्ट्स माइल्स टू किलोमीटर, माइल्स से किलोमीटर बनाने हों तो इनमें से कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो वो होता है ऑप्शन बी, कन्वर्ट। बट इज शॉर्टकट टू एंटर करंट डेट इन सेल, एक्सेल में, एक्सेल में हमने किसी सेल में करंट डेट डालनी है, जन की आज की डेट डालनी है, तो कौन सी जो शॉर्टकट की चलेगी, वो चलेगी कंट्रोल प्लस सेमी कोलम, ये सेमी कोलम का साइन होता है, ये कोलम का होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सेमी कोलम हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हम काम कर रहे होंगे जिस सेल में, वहाँ पे करंट डेट पड़ जाएगी। शॉर्टकट टू डिलीट दी सेकेंड सिलेक्टेड रो कॉलम, अगर हमने किसी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है तो एक्सेल में, उसको हमने डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, तो वो है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस हम करेंगे तो जो वो जो सिलेक्टेड कॉलम होगा ना, वो डिलीट हो जाएगा। शॉर्टकट टू एडिट दी सिलेक्टेड सेल, अगर जो सिलेक्टेड सेल है उसको हमने हमने एडिट करना है, तो उसका क्या शॉर्टकट है, उसका है F2। सीधा हम फंक्शन की दबा देंगे F2, तो जो वो एडिट कर सकते हैं हम। उसके बाद है व्हेन दी फॉर्मूला बार इज एक्टिवेटेड, यू कैन सी इनमें से क्या फॉर्मूला बार होती है, वो कब एक्टिवेटेड होती है। तो नीचे ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी सभी लागू करते हैं इन सभी, जब भी जैसे आप देख सकते हैं, दी एडिट फार्मूला बटन, दी कैंसिल बटन, दी एंटर बटन, तो सभी में फार्मूला बार एक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी रीसेंट फाइल्स यू कैन डिस्प्ले ऑन फाइल मेन्यू एट मैक्सिमम, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 9, ठीक है, ऑप्शन 9। जैसे देखिए, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो अगर आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनी फाइल रिसेंटली, जो लास्ट में आपने काम किया है, कितनी फाइल शो कर रहा होगा, तो वो करेगा 9, जो बाय डिफॉल्ट है, आप चेक करके देख सकते हैं 9।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर आर दी स्टेटस इंडिकेटर लोकेटेड, जो स्टेटस इंडिकेटर लोकेटेड हैं वो एक्सेल में कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन, ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में जो ऑप्शन होते हैं इंडिकेटेड स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एम एस एक्सेल टू मूव दी प्रीवियस वर्कशीट, हमने प्रीवियस वर्कशीट पे जाने के लिए कौन सा हमने प्रेस करना बटन? तो वो है शॉर्टकट की है, वो है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, तो ये थे एक्सेल से, एक्सेल के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है आपको समय से मिल सके। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @harry_kashyap8 पे, या फिर alljobcassie8 पे, FB पेज पे हमें लाइक कर सकते हैं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।